आपके सुपौल से ताल्लुक रखते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक मुशायरा कराया था, दानिश महद्दीपुरी नाम उनका है, लेकिन मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान पूरे मुल्क हिंदुस्तान में यहीं से इंशाल्लाह अररिया की सरजमी से उठेगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो सफ़र करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि उनको आपके हवाले करूँ, लेकिन उससे पहले शोला टांडवी का एक शेर मुझे याद आता है, अगर आप इजाज़त दें तो मुजीब भाई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और इन तमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। एक हॉस्पिटल के अंदर बीमार पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊँगी तो तुम क्या करोगे, तो पति ने कहा बेगम मैं पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा सच बताना दूसरी शादी तो नहीं करोगे, कहा पागल कुछ भी कर सकता है। ये शायद अररिया के लोग रहे होंगे। मुझे याद आता है कि क्या बताए वसल की शब क्या हुआ, शायरी का भूत था सर पे चढ़ा, शेर गोई हो रही थी एक तरफ और दुल्हन सो रही थी एक तरफ, शेर के औजान में करता था बात, आगे था उस्ताद से दो चार हाथ, यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, दूर नजरों से अंधेरा हो गया, उठकर बिस्तर से दुल्हन कहने लगी भाड़ में जाए तुम्हारी शायरी, फाए लातुन फाए लातुन फाए लात, मार के कहने लगी ये मुझको लात, रात भर तुम शेर कहते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, रात भर तुम शेर कहते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आइए मेरे दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले अपने इलाकाई शायर का, मैं सुपौल की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, मैं दानिश महद्दीपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस नौजवान शायर का इस्तकबाल करें। आइए, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं भाई, माहौल बहुत अच्छा बना रखे हैं, और इस मुशायरे के नाज़िम मुशायरा मुजाहिद हसैन हबीबी साहब काफ़ी अच्छी निज़ामत, और हमारे स्टेज पे एक तरफ हमारे बड़े भाई असद बस्तवी साहब, तबरेज़ हाशमी साहब, और दूसरे तरफ हमारे शंकर कैमूरी साहब। मैं इनके हवाले से चार मिसरे से मैं अपने शेर सफ़र का आगाज करता हूँ। दानिश भाई जी, मोहब्बत मोहब्बत भाईचारा खत्म हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह, क्या बात है। मोहब्बत भाईचारा खत्म हम होने नहीं देंगे, दिया नफरत का अपने देश में जलने नहीं देंगे, दिया नफरत का अपने देश में जलने नहीं देंगे, हमारी जान भी जाए हमें मंजूर है, लेकिन हमारी जान, क्या बात है भाई। आखिरी मसला सच्चे होते एक एक शख्स की हाथ हवा में होनी चाहिए जी, आता हो। हमारी जान भी जाए हमें मंजूर है, लेकिन अदावत की सियासत मुल्क में चलने नहीं क्या देंगे, बात है भाई, अदावत की सियासत मुल्क में चलने नहीं देंगे। ये है भाई मोहन साहब, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, शुक्रिया मोहन मुंतजिर भाई, आपने अपनी दुआ से मुझे नवाजा। दानिश भाई मुनिका जी भी कुछ कह रही है, सुन लो जी, वो सीटी कम करवाए भाई, माइक का सीटी कम कीजिए भाई, भाई भाई मैं चाहता हूं कि चार मिसरे और, एक तरफ हमारे निरंजन सिंह और दूसरे तरफ अब्दुल माजिद भाई और हारून भाई, इनकी नजर करते हुए मैं चार में से पहुंचा रहा हूं भाई। आता हो भाई दानिश। मेरी आवाज आम हो जाए, मेरी आवाज आम हो जाए, इश्क मस्ती का नाम हो जाए, इश्क मस्ती का नाम हो जाए, मेरी आवाज आम हो जाए,
मेरी आवाज आम हो जाए, मेरी आवाज आम हो जाए, इश्क मस्ती का नाम हो जाए, हिंदू मुस्लिम में फिर मोहब्बत हो, हिंदू मुस्लिम में फिर मोहब्बत हो, काम मेरा तमाम हो जाए, काम मेरा तमाम हो जाए, काम मेरा तमाम हो जाए, काम मेरा तमाम हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। सामीन, अब मैं आपको गज़ल की इस पुरफिजा माहौल में लेकर चलता हूँ। हमारे स्टेज पर मोहतरमा चांदनी शबनम और मोहतरमा मोनिका देलवी की नज़र करते हुए मैं अपने गज़ल का मतलब इजाज़त है, बिल्कुल आप देखे दीजिए। राहत से एहतियात की आदत बनाइए, राहत से एहतियात की आदत बनाइए, राहत से एहतियात की आदत बनाइए, फिर आप अहले इश्क की महफिल में आइए, फिर आप अहले इश्क की महफिल में आइए। सामीन, क्या बात है, नौजवान दोस्तों भाई माइक वाले स्थिति को बंद करें, भाई माइक को ठीक करें भाई आप। एक बार हमारे नौजवान दोस्तों जोरदार तालियां बजा दें मुशायरा कमेटी के लिए भाई, जोरदार तालियां बजा दें एक बार। मैं मुबतला इश्क हूँ, मैं मुबतला इश्क हूँ यह जानते हैं आप, मैं मुबतला इश्क हूँ यह जानते हैं आप, मैं मुबतला इश्क हूँ यह जानते हैं आप, जानते हैं आप, बस एक ही गुजारिश है पलकें उठाइए, बस एक ही गुजारिश है पलकें उठाइए, राहत से एहतियात की आदत बनाइए, फिर आप अहले इश्क की महफिल में आइए। और ये बहुत अच्छे भाई दानिश, पढ़ो भाई पढ़ो जी, ये माजिद साहब की तरफ से। शुक्रिया माजिद भाई, आपने हमारे हौसला अफजाई किया भाई। हमारे नौजवान दोस्तों थोड़ा और बेदार होने की जरूरत है, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं भाई, थोड़ा सा बेदारी का सबूत पेश करें भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई आप, वाह गजल का माहौल बनाए भाई जी। पढ़े पढ़े दानिश भाई जल्दी। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया, बस अब खता हमारा, जो हो गया वो हो गया, बस अब खता हुमा, एक बार मेरे इश्क की महफिल में आइए। क्या बात है, एक बार मेरे दानिश भाई महफिल में आइए। वीरान दिल में फूल सा, पढ़ लो दानिश पढ़ के बैठ जा, वीरान दिल में फूल सा चेहरा है आपका। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह,
वीराने दिल में फूल सा चेहरा है आपका, बेकैफ दिल में आइए वापस न जाइए। क्या बात है भाई, बेकैफ दिल में आइए। ये है अकमल बलरामपुरी साहब भाई, बात दुआओं से आइए। दानिश में इस जहां जी, मक्ता सुने भाई, मक्ता सुने, ये गजल का मक्ता जी जी आता करे। दानिश में इस जहां में कहां किस तरह जियूं, क्या बात है। दानिश में इस जहां में कहां किस तरह जियूं, मैं दिल जला हूँ आप भी दिल को जलाइए। क्या बात है भाई, वाह। मैं दिल जला हूँ आप भी दिल को जलाइए जलाइए। भाई हमारे इस मुशायरे में हमारी माँ बहनें भी तशरीफ रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चार मिसरे इनके हवाले से मैं आप तक पहुँचा दूँ। जी माँ, क्या इजाजत है भाई, इजाजत है जी। वो एक नेमत सरापा है, वो एक नेमत सरापा है। सामने दुनिया में अगर सबसे बढ़िया कोई नेमत वो माँ है। ये पढ़े पढ़े दानिश भाई। वो एक नेमत सरापा है, मुअद्दत है मुरव्वत है। वो एक नेमत सरापा है, मुअद्दत है मुरव्वत है। वो एक नेमत सरापा है, वो एक नेमत सरापा है, मुअद्दत है मुरव्वत है। अकीदत का हसी मरकज हमारी वो मोहब्बत है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। का हसी मरकज हमारी वो मोहब्बत है। बहुत अच्छे। मेरे मौला सलामत रख हमारी माँ को दुनिया में। क्या बात है भाई, इसमें सिर्फ एक एक शख्स के हाथ आमीन कहते हुए हवा में होनी चाहिए। ये आता मेरे मौला सलामत रख हमारी माँ को दुनिया में, मेरे मौला सलामत रख हमारी माँ को दुनिया में, के उनके पांव के नीचे ही हम बच्चों की जन्नत है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई।